बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक छोटे से गांव से छोटे से कस्बे से ऊपर उठकर जाना और इंटरनेट पर फोन करना और वहां पर मेडल लेके आना और इतने छोटे इस ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा कहने की बात ये एक तो आप गेम देखो क्या अच्छा कराटे बहुत से तो इसको पता भी नहीं होगा क्या होता है कराटे तो एक ऐसा अननोन गेम को खेलना उसमें प्रोग्रेस देना उसमें मेडल लेना और इंटरनेशनल पर मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी आगे जो भी जब भी हमारी भांजी जो भी अचीवमेंट लेके आएगी हमारे गांव की ओर से उसका हर बार ऐसे ही इससे भव्य स्वागत किया जाएगा आज भी हमारे गांव इससे भी अच्छा स्वागत करता लेकिन थोड़ा टाइम की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हुई जिसकी वजह से थोड़ा वैसे तो प्रोग्राम मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा है लेकिन जो हमने दो प्रोग्राम किए थे उनके अकॉर्डिंग हमारे गाँव का लड़का था और सोनिया अख्तार जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज था हमारे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा आपको हमारे समाज की ओर से अगर समाज की बात करूँ हमारे समाज की ओर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दो नाम दर्ज है एक हमारे गांव की बेटी सोनिया बतान का दूसरा विंग कमांडर चंद्र सिंह जो दादू पर से और वो भी बतान को उतर गया वो भी आलिशा के मामा जी है तो इससे गर्व की बात क्या होगी हमारे लिए जो भी इंटरनेशनल खेल के आता है कहीं ना कहीं उसका लिंक हमारे गांव से होता है ये हमारी गुड़िया भी इंटरनेशनल खेल के आई ये भी हमारी भांजियाँ तो हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि हमारे गांव के भी आगे जाए और आसपास के भी आगे जाए चाहे वो किसी जाति क्षेत्र या धर्म से हो क्योंकि जब हम यहाँ कुंडरी में है तो हमारी पहचान रोड जात इनमें है जब हम हरियाणा से बाहर जाते हैं तो हरियाणवी के तौर पर होते हैं जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो इंडियन के तौर पर होते हैं अगर हम देश को प्रतिनिधि करेंगे तो तिरंगे झंडे को देखते हैं हम अपने देश को देखते हैं ना कि हम अपने गांव को जाति पाते हैं तो बात की बात क्या तो मैं विकास जी का उनके कोच का अलीशा भांजी का इनके माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक मिसाल कायम किया इनके माता पिता ने इतने साधारण परिवार से होकर अपनी बेटी को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भेजना मेरी बात हुई थी तो ये बता रहे थे 2-3 लाख एक्सपेंसिव था इनके इंटरनेशनल का एक मतलब माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की पूंजी अपने बच्चे के ऊपर लगाई है और वो भी एक बेटी के ऊपर जो वो बात को कहा जाता है ना मैं कि बेटी के बारे में ये सोचा तो मिसाल है इनके माँ बाप जो अपनी बेटी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं बेटे को तो हर कोई सपोर्ट करता है लेकिन बेटी को सपोर्ट करने का जिगरा चाहिए जो इनके माँ बाप ने दिखाया मैं एक बार सभी से अनुरोध करूँगा कि इनके माँ बाप के लिए एक बार तालियां जरूर दिखाए कम सोच होती है लेकिन हमारे क्षेत्र में आसपास में ये सोच बहुत ऊंची शिक्षा में भी हमारा क्षेत्र लड़कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं बार बार यही अनुरोध करूंगा आप सब से जो भी आप सब आज यहाँ आए हैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद और जो भी इसके भी रिलेटिव बच्चे भाई बहन जो भी स्पोर्ट में है या किसी और फील्ड में है वो आलिशा बहन से प्रेरणा लें एक इतने अच्छे काम पर पहुँचे हैं एक साधारण परिवार से तो ये अगर कुछ करने का जज्बा हो तो आवश्यकता विस्कार की जर्नी होती है अगर करने का जज्बा है तो सफलता जरूर मिलती है मेहनत होनी चाहिए विकास जैसा कोच में साथ में होने चाहिए आलिशा के माता पिता जसवीर जैसे माता पिता होने चाहिए सभी का यहाँ पहुँचने पर गांव बरसाना की ओर से हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद मैं अपनी भांजी आलिशा से भी अनुरोध करूंगा थोड़ा अपने गेम के बारे में बताएं कैसी परफॉर्मेंस रही उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया गेम में किस किस के साथ कंपटीशन था और क्या क्या उनके मैच के पॉइंट रहे थोड़ा बताएं आवाज नहीं भाई एक मिनट साउथ अफ्रीका के साथ जिसमें स्कोर रहे 6-1 का मेरी दूसरी फाइट श्रीलंका के साथ थी जिसमें स्कोर था 7-1 का मेरी तीसरी फाइट कनाडा के साथ थी जिसमें स्कोर था 8-0 का और मेरी फाइनल फाइट इंग्लैंड के साथ थी जिसमें स्कोर था 7-0 लगभग सभी मैच एक तरफा बीट किया है इन्होंने एक तरफा जीत और जीत किया मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि हमारी भांजी एक दिन ओलंपिक में पदक लेकर हमारे समाज का क्षेत्र का
हमारे गांव का मोहना गांव को